हालेलुया हालेलुया। बीते दिनों में उसने हमें सुरक्षित रखा है, उसने हमारी मुहैया करी, उसने हमारी अगुवाई करी, बीते दिनों में हमें चलाया उसने, उसकी उपस्थिति हमारे संग बनी रही, उसने हमारी अगुवाई करी। हालेलुया। जितने लोग अकेलापन महसूस कर रहे थे, यदि ईमानदारी से उन्होंने यीशु को पुकारा तो यीशु उनके संग उपस्थित रहा, और आवश्यकताओं को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर आज के दिन भी हमारे मध्य में उपस्थित है, आज हमारे मध्य में अपने कार्य को करना चाहता है, आपके दिलों को वो छूना चाहता है, आपके जीवन के परिस्थितियों को वो बदलना चाहता है, आपके जीवन के परिस्थिति में एक हस्तक्षेप करना चाहते हैं, आज बंधनों को वो तोड़ना चाहते हैं, बोझों को वो उठाना चाहते हैं। आज के सुबह वो यहाँ पर उपस्थित हैं कि एक अदला बदली करे, आप अपने बोझ यहोवा परमेश्वर पर छोड़कर उसके बदले यीशु के जुआ को आप उठा सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा मेरा जुआ हल्का है, हालेलुया, और सहज है। और आज के दिन यहोवा परमेश्वर इस कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस बात के लिए खुले हैं? आज के दिन यदि आप शारीरिक रूप से बीमार हैं या मानसिक रूप से आप किसी तनाव का आप सामना कर रहे हैं, जब आप आराधना करते हैं तो इस विश्वास के साथ कि मेरा पिता मेरा सुन रहा है, या यीशु मसीह अपने कान और आंखों को मेरी ओर लगाए हुए हैं, ये विश्वास यदि आपके दिल में है और ईमानदारी से हम पुकारें तो निश्चय ही यहोवा परमेश्वर सुनकर उसका उत्तर देता है। हालेलुया। और आज के दिन होने दे कि हम पवित्र आत्मा को ये आज़ादी दे कि वो हमारे मध्य में चले, हमारे मध्य में अपने कार्य को करे, और सारी महिमा यीशु मसीह को जाने पाए। हालेलुया हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का हम स्वागत करें। इससे पहले हम गीतों को गाएं, एक तालियों का भेंट देते हुए, और फिर हम सीधे गीतों में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया।
परमेश्वर के लिए हम ताली बजाएं। सच में ये दिन और हर दिन परमेश्वर की तरफ से एक तोहफा है और हमें उसके लिए आनंदित रहना है और उसके लिए धन्यवादित रहना है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और परमेश्वर का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। आइए जब हम ये अगला गीत गाते हैं, ये एक हमारे अंदर एक रियलाइजेशन, ये एक हमारे अंदर प्रार्थना के रूप में हो कि परमेश्वर आप ही राजाओं के राजा हैं और कोई नहीं, परमेश्वर आप ही राजाओं के राजा हैं। राजा जगत में राज करेगा।
क्यों ना हम कुछ समय लें और परमेश्वर को धन्यवाद करें उसके सारे काम जो हमारे जीवन के लिए हैं, उसके लिए क्यों ना धन्यवाद दें। आइए चर्च, हम शांत ना रहें, हम धन्यवाद करते रहें। हम आए इसीलिए हैं ताकि हम परमेश्वर को अपने हृदय का धन्यवाद, अपने हृदय के गीत परमेश्वर के सामने रख पाएं। यही समय है, आइए हम सब परमेश्वर को अपना हृदय दें, अपना मन, अपना सब कुछ परमेश्वर को दें।
धन्यवाद मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। धन्यवाद यीशु, keep
आज के सुबह जैसे कि हमने गाया, यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर इसीलिए आया ताकि जो दंड आपके और मेरे ऊपर आनी चाहिए थी वो दंड उसने अपने ऊपर लिया। मृत्यु का दंड बाइबल हमें बताती है रोमियो की पत्री में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप के कारण जो दंड दिया जाए, जो दोषी है उसको दंड जब दिया जाए तो मृत्यु ही है, उसके सिवाय और कुछ है नहीं। लेकिन एक करुणामय पिता परमेश्वर, वो नहीं चाहता था कि कोई भी मनुष्य किसी का भी नाश हो, वो नहीं चाहते थे। मेरे प्रियो, हम और आप कई बार अपने छोटी छोटी समस्याओं को लेकर इतने व्याकुल और इतने परेशान हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि आपको और मुझे चाहिए ऐसे समयों में कि हम इस बात का ध्यान दें, यदि अनंत काल की नाश की बात हो तो उसके सामने कौन सी समस्या ऐसी है जो उससे बढ़कर है। कोई भी समस्या नहीं है, इवन एक शारीरिक समस्या भी उसके तुल्य नहीं है। और उस बड़े गंभीर समस्या के हल के रूप में पिता परमेश्वर ने यह निर्णय लिया कि सबसे पहला जो भी मिशनरी होगा वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आएगा। और जैसा हमने गीत में गाया, स्वर्ग से हमारा सारा दंड सहने के लिए वो पृथ्वी पर आया, कोड़े खाकर, क्रूस उठाकर यीशु ने जो कुछ सहा, यहां तक कि मृत्यु भी उसने ग्रहण किया, वो केवल इसीलिए ताकि मुझे और आपको मुक्ति और चंगाई मिले। केवल इसी कारण वो स्वर्ग से उतर आया। आपको यदि कोई शारीरिक बीमारी है उससे छुटकारा देने के लिए यीशु को स्वर्ग छोड़ने की जरूरत नहीं थी, वो स्वर्ग में बैठे बैठे आज्ञा दे सकता है और उस आज्ञा के द्वारा आप शारीरिक चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, बोझ आपके उठाए जा सकते हैं। स्वर्ग से ही, पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यदि वो पृथ्वी पर आया तो केवल एक कारण, ताकि आप और मैं पाप के श्राप और उसके फलस्वरूप पाप के दंड जो आपको और मुझे मिलता है उसके हमारे स्थान पर वो खड़ा हुआ। और पिता जब दंड सुनाता तो हमें और आपको नहीं, परंतु सारा, जैसे बाइबल बताती है, सारी दुनिया का, हर एक मनुष्य का पाप उसने अपने ऊपर लिया। यहां तक कि उसको जब देखता पिता तो पिता को यीशु नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन यीशु के स्थान पे पाप और श्राप दिखाई दे रहा था। इतना सारा बोझ यीशु ने अपने ऊपर लिया था कि आप और मैं आजाद हूं। मेरे प्रियो, जब हमारी अनंत काल के लिए सारा इंतजाम हो चुका है तो फिर यदि एक छोटा सा पेट का दर्द या सर का दर्द हो तो क्या हम इसका तुलना कर सकते हैं एक अनंत काल की स्थिति को लेकर, चाहे वो नाश की बात हो या अनंत जीवन की बात हो, क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? इसीलिए जब पौलुस ने एक बार, केवल एक बार शिकायत करने की कोशिश करी, उसमें भी प्रभु यीशु ने कहा, देख मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तो जो कांटा है उसको वहीं रहने दे, वो कांटा वहीं पर रहने दे, मेरा अनुग्रह काफी है। ऐसे समयों में मेरे प्रियो, आपको और मुझको चाहिए कि हम इस बात के लिए आभारी रहें कि हमारी जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो क्या हैं अनंत काल के तुल्य में, कुछ भी नहीं है। हमको यदि अनंत जीवन दिया गया है, यदि अनंत जीवन का इंतजाम कर दिया गया है, यदि वो जो मूल्य चुकाया जाना था वो यीशु ने चुका दिया आपकी ओर से और मेरी ओर से, तो फिर हमें और आपको किस और बात के प्रति चिंता रखनी चाहिए? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं।
हमें बल्कि आभारी हृदय से प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपने वो किया जो मुझे करना चाहिए था, वो झेला जो मुझे झेलना चाहिए था, उस रास्ते से आप गए जिससे मुझे जाना चाहिए था, वो कार्य आपने किए जो मुझे करना चाहिए था, उस क्रूस को आपने उठाया जो मुझे उठाना चाहिए था, वो कील जो ठोके गए वो मुझे ठोके जाने चाहिए थे, लेकिन आपने अपने शरीर में उन्हें स्वीकार किया। हाँ, स्वीकार किया, आपने झेला नहीं, आपने स्वीकार किया, क्योंकि आपने हमसे इतना प्रेम किया। इसीलिए एक आभारी हृदय से क्या हम अपने धन्यवाद को व्यक्त नहीं कर सकते हैं? आज के सुबह क्या हम यीशु को धन्यवाद रूपी एक भेंट चढ़ाकर हम ये नहीं कह सकते हैं, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, सदा हमेशा हमेशा तेरी मैं स्तुति करूंगा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति। हे पवित्र आत्मा, आज के सुबह आप हमारे मध्य में अपने कार्य को करो, आप यहां पर चलन करो, जिन्हें छुटकारे की आवश्यकता है आप उन्हें छुटकारा प्रदान करो। प्रभु यीशु, जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है आप उन्हें चंगाई प्रदान करो। प्रभु जी, जो यदि ऐसे परिस्थिति में है जहां पर वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कौन सा निर्णय लेना चाहिए, अगला कदम कौन सा होना चाहिए, पवित्र आत्मा आप उनकी मदद करो। आप सलाहकार हैं, आप परामर्शदाता हैं, आप हमारी मदद करो। प्यारे प्रभु जी, यदि कोई ऐसा है जो ऐसे समय में अकेलापन महसूस कर रहा है, आप इमानुएल हैं, यानी परमेश्वर हमारे संग है, आपकी उपस्थिति हमारे लिए काफी है, आप हमारे लिए काफी है। होने दे जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो इस बात को समझ नहीं पाए कि यदि मेरा पिता मेरे साथ है तो त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, हम मेरे साथ मिलकर चार लोग हो गए, तो फिर इसमें अकेलापन कहां से है। ओ प्यारे प्रभु यीशु, होने दे कि हमारी आत्मा इस बात को समझ नहीं पाए। हालेलुया। और जो भी बंधने हैं प्रभु जी, यीशु मसीह आपके नाम से जो भी बंधन पाए जाते हैं किसी के जीवन में, वो पूरी रीति से टूटने पाए यीशु के नाम में। जो बोझ से दबे हुए हैं वो बोझ यीशु के नाम से उठा लिए जाए और उनके जीवन से दूर हो जाए। खराबा शांतिर अलरलबा, आदर और महिमा आपको देते हैं, आप ही स्तुति और प्रशंसा के योग्य हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके लोगों पर आपकी आशीष हो, ये हमारी प्रार्थना है। आपकी उपस्थिति को वो महसूस करने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। हाँ, आप हैं हमारे संग, लेकिन कई बार हम अपने जीवन के चारों ओर लहरों को देखकर घबरा जाते हैं और इस बात को हम भूल जाते हैं कि आप हमारे संग हैं। होने दे कि हम इस बात को याद रखें। प्रभु जी, हो सकता है कोई आज पहली बार आया हो जो आपको ना जानते हो, जो आपके विषय में केवल कुछ सुना है लेकिन आपको कभी अनुभव नहीं किया है। पवित्र आत्मा, आज के दिन जब वे इस भवन में अभी खड़े हैं, कुछ देर में बैठेंगे, सुनेंगे, होने दे कि वे समझ नहीं पाए, इस सभा के समाप्ति तक वे समझ नहीं पाए, वे अनुभव करने पाए और फिर वो कहने पाए इस बात को कि हाँ, हमने ऐसी एक शांति अनुभव करी है यहाँ पर जो हमें कहीं और नहीं मिली। और ऐसी शांति केवल यीशु मसीह आप ही दे सकते हो, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हो। हालेलुया, आप शांति के राजकुमार हो। धन्यवाद, 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 आप ही को सारी महिमा मिले। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आप अपने स्थानों को ग्रहण करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे आज के सुबह, जबकि हम अपने आराधना में हम आगे बढ़ते हैं। ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम ऑन दिस ब्यूटिफुल डे 19th December 2021। आज के सुंदर दिन 19 दिसंबर 2021
में आप सभी लोगों का स्वागत हम करते हैं. God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे. How is everybody? आप सब कैसे हैं? All well. सब ठीक है. Praise the Lord. Brother Raju Jacob, are you somewhere here sitting? Will you please both of you stand? Where is your son? Oh, yeah. We want to welcome this wonderful, beautiful family to the city of Lucknow and to the LifeSpring Assembly. आज की सुबह हम श्री राजन जेकब और उनके परिवार को स्वागत करना चाहते हैं इस शहर में और इस कलीसिया में. And Mrs. Jacob is cousin of one of, what do you call, my cousin? Your niece. Your niece. On my niece, yeah. और मेरे पास्टर के एक भतीजी है, उनके कजिन है श्रीमती. फ्रॉम बरेली. बरेली से हैं. एंड दे जस्ट मूव्ड टू द सिटी ऑफ लखनऊ. और अभी हाल ही में वो लखनऊ शहर में आए हैं. विद अ सन एंड अ डॉटर, दे आर स्टिल स्टडीइंग इन डेहराडून एंड इन अ फ्यू मंथ्स टाइम दे विल रिटर्न. और दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, दोनों पढ़ाई में है, कॉलेज में है. इन द नेम ऑफ द लॉर्ड वी वेलकम यू ब्रदर जेकब एंड सिस्टर एंड सन. गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम टू LifeSpring Assembly. गॉड ब्लेस यू. आई होप ऑल ऑफ यू आर प्लानिंग टू कम दिस इवनिंग फॉर द very special Christmas program presented to you by our young people as well as our Sunday school children. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आज के शाम को आएंगे हमारे क्रिसमस कार्यक्रम के लिए, और जो कि हमारे युवाओं की तरफ से, हमारे संडे स्कूल के बच्चों की तरफ से होगा. And because you all have to go back home and then return again, I don't want to keep you too long. और क्योंकि आपको अभी वापस घर जाना है, फिर वापस शाम को आना है, मैं ज़्यादा लंबे समय तक आपको नहीं रखना चाहता हूँ. क्रिसमस टाइम इज वन सीजन व्हेन ऑल द क्रिश्चियंस गेट वेरी वेरी बिजी, एक्सट्रीमली बिजी. क्रिसमस का समय एक ऐसे समय होता है कि सारे जो ईसाई हैं वो सब बहुत व्यस्त हो जाते हैं. एंड बिकॉज सम पीपल इवन मिस चर्च ऑन संडे बिकॉज दे आर सो बिजी, स्पेंड द होल डे एंड नाइट स्टैंडिंग इन अ बेकरी बेकिंग केक एंड ऑल दैट. और कुछ ईसाई इतवार के आराधना को भी नहीं आते हैं क्योंकि वो लोग बहुत व्यस्त हैं, बेकरी में खड़े हैं, केक बनवा रहे हैं और अन्य काम करवा रहे हैं. केक इज अ गुड थिंग टू गेट वंस इन अ व्हाइल. और केक जो बनाना है वो अच्छी बात है. एंड द ओनली प्रॉब्लम इज व्हेन आई गेट केक एंड आई गेट ओनली ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम इट इज टू मच एंड आई एम नॉट एबल टू ईट. और समस्या यही है कि मुझे जब केक मिलता है तो सिर्फ क्रिसमस के समय में मिलता है और बहुत मिलता है और फिर वो सब खाया नहीं जाता. सो आई विल टेल यू अ सीक्रेट. तो मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ. डोंट मेक एनी केक ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम. क्रिसमस के समय में केक ना बनाएं. यू मेक इट इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल व्हेन वी ऑल आर लॉन्गिंग फॉर अ पीस ऑफ केक. मार्च और अप्रैल में जब हम चाहते हैं कुछ केक खाने के लिए तब आप बनाएं. एंड देन यू एवरीबॉडी विल एंजॉय द केक. बट लेट मी टेल यू, डोंट बी टू बिजी टू मिस द चर्च फेलोशिप. लेकिन बात यही है कि आप इतने व्यस्त ना हो जाए कि आप कलीसिया के संगति में ना आ पाए. व्हाट इज क्रिसमस? क्रिसमस क्या है? यू हियर दिस एवरी क्रिसमस टाइम. और प्रति वर्ष हर एक क्रिसमस के समय में आप इन बातों को सुनते हैं. At least in this church. और विशेषकर इस कलीसिया में. क्रिसमस हैज केक हैज नथिंग टू डू विद क्रिसमस. और केक जो है क्रिसमस से कोई मतलब नहीं है. डेकोरेशंस हैव नथिंग टू डू विद क्रिसमस. और जो सजावट हम करते हैं इसका भी कोई मतलब नहीं है. फादर व्हाट क्रिसमस फादर एंड व्हाट सांता क्लॉज. सांता क्लॉज एंड then Christmas tree and all these things have come from heathen
They have nothing to do with Christmas. और Santa Claus और Christmas का जो tree है, ये सब अनजाति से आया हुआ है. If you are a genuine, serious follower of Jesus Christ, अगर आप सच्चे एक यीशु मसीह के अनुयायी हैं, you must also think seriously about what is Christmas. It is all about Jesus Christ. आपको बहुत गंभीरता से इस बात को सोचना है कि Christmas जो है वो और कुछ नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के विषय में है. Nothing else. और कुछ नहीं. And if you think seriously about Jesus Christ coming from heaven into this earth, और अगर आप गंभीरता से सोचें यीशु मसीह के विषय में जो कि स्वर्ग से उतरकर इस पृथ्वी पर आए, you think of it. आप सोचें. Jesus Christ had to set aside all his glory. Everything that he enjoyed in heaven. यीशु मसीह ने अपने सारे महिमा को, अपने सारे राजकीय बातों को, वो सब किनारे करके स्वर्ग में इस पृथ्वी पर आए. To come down to this earth. इस संसार में आने के लिए. So filled with wickedness and sin and ugliness and dirt. और एक ऐसे संसार में जो पाप से भरा हुआ, गंध से भरा हुआ और सारे बुराइयों से भरा हुआ. Jesus was never used to all this environment. और यीशु मसीह कभी भी ऐसे वातावरण में नहीं रहे. And he lived in perfect purity and holiness in heaven. और सिद्ध पवित्रता में और शुद्धता में यीशु मसीह स्वर्ग में थे. He was a spirit. वे एक आत्मा थे. The spirit has no form. एक आत्मा का कोई रूप नहीं है. The way the Bible describe him is word. और जिस प्रकार वचन हमें बताता है और वर्णन करता है यीशु के विषय में कि वो वचन है. He was the word through which God brought forth the entire creations. और यीशु वो वचन थे जिसके द्वारा ये पूरा पृथ्वी और संसार अस्तित्व में आया. And it says, in the beginning was the word, and the word was God, with God, and the word was God. और लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. He was from the beginning. वो शुरुआत से थे. And through him all things were made. और यीशु के द्वारा ही सारे बातों का रचना हुआ. And without him nothing was made that has been made. और यीशु के बिना कुछ भी नहीं बनाया गया. And in him was life. और यीशु में जीवन पाया गया. In whom? किसमें? In the word. वचन में. And that life was the light of men. और वो जीवन जो है वो मनुष्य का ज्योति बन गया. The light shines in the darkness. वो ज्योति जो अंधकार में चमकता है. But the darkness did not know him. लेकिन अंधकार ने उसको पहचाना नहीं. Did not understand him. उसको समझ नहीं पाया. That is what she. And then it says, continue in the same chapter. और फिर उसी भाग में ऐसे लिखा है. This word became flesh. ये वचन जो है उसने मांस और लहू का रूप धारण किया. And dwelt among us. और मनुष्य के बीच में रहा. And we beheld his glory. और हमने उसके महिमा को निहारा. The glory as of the one and only. और उस महिमा को जो एकमात्र परमेश्वर है. Full of grace and truth. और पूरे अनुग्रह से और सच्चाई से भरे हुए. This is the Christmas. और यही है क्रिसमस. क्रिसमस इज गॉड्स वर्ड दैट गॉड द फादर यूज्ड टू क्रिएट एवरीथिंग इनटू बीइंग. क्रिसमस जो है वो परमेश्वर पिता ने उस वचन का जो इस्तेमाल किया था इस पूरे भूमंडल का रचना करने के लिए. He didn't have a body. उसका कोई शरीर नहीं था. But the day he was born in Bethlehem's manger. लेकिन जिस दिन उस बेतलहम के चरनी में यीशु पैदा हुए. Oh, let me correct myself. The day he was conceived in Mary's womb. या फिर मैं ऐसे बोलूं कि जिस दिन वो मरियम के कोख में उसका शुरुआत हुआ. For the first time, पहली बार he entered into a body.
यीशु मसीह एक शरीर में प्रवेश किया and in that womb of Mary और उस मरियम के कोख में he grew about 9+ months और लगभग 9 महीने तक वो रहे then he was born in Bethlehem उसके बाद वो बेतलहम के चरनी में पैदा that's हुए that's how he received his body that's how he received his और ऐसे ही यीशु ने अपने शरीर को प्राप्त this किया this almighty God ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर created the entire creation aur jisne sare srishti ka rachna kiya he was how rich he was aur kitne dhani the can you calculate his riches kya aap parmeshwar ke dhan ko aap naap sakte hain no nahi the entire there are billions there is at least 1 billion universes aur arbo arbo aise bhumandal paaye jate hain thousands and trillions and quadrillions of stars aur aise hi arbo arbo tare paaye jate hain this word brought forth all those things aur is vachan ne in sare baaton ka rachna kiya can you imagine That word becoming flesh. क्या आप कल्पना कर सकते हैं यही वचन जो है उसने रूप धारण किया शरीर का. The angels were so surprised. और जो स्वर्गदूत थे वो चकित हो गए. That the Son of God. कि परमेश्वर का पुत्र. The angel told Mary. स्वर्गदूत ने मरियम से कहा. Mary was given this amazing news from heaven. मरियम को ये अद्भुत सा समाचार मिला स्वर्ग से Blessed are you Mary who is you found favor with God कि हे मरियम धन्य तुम हो जो परमेश्वर के द्वारा तुम आशीषित हो गए So do not be afraid और इसलिए डरो मत You shall conceive and bring forth a son कि तुम जन्मोगे और एक पुत्र को जन्मोगे And not by the and Mary was puzzled और मरियम बिल्कुल चकित हो गई He could not understand. वो समझ She could नहीं not पाए. Understand. How am I going to conceive? कि मैं कैसे गर्भवती हो जाऊंगी He said, I never slept with a man. कि मैं किसी पुरुष के साथ सोई नहीं And we are just planning to get married. और हमारा बस विवाह होने वाला है And I don't intend to sleep with another man. और मैं सोचती भी नहीं कि विवाह से पहले मैं किसी पुरुष के साथ सोऊंगी And so how is it going to be possible? So ये कैसे संभव होगा And the answer came like this. और उत्तर ऐसे आया The Holy Spirit. पवित्र आत्मा What did he mean? और इसका अर्थ क्या है द होली स्पिरिट इज द आंसर टू ऑल द पसल्स एंड ऑल द अनसर्टेनिटीज ऑफ योर लाइफ और जितने भी आपके जीवन के अनिश्चितताएं हैं और चक्रव्यूह है वो सब का उत्तर जो है वो पवित्र आत्मा है द होली यू डोंट हैव टू फॉर दिस कंसेप्शन ऑफ अ बेबी यू डोंट नीड टू स्लीप विद अनदर मैन और इस बच्चे को पैदा होने के लिए तुम्हें जरूरत नहीं है किसी पुरुष के साथ सोने के लिए द थर्ड पर्सन इन द होली ट्रिनिटी द होली स्पिरिट और पवित्र त्रिएक परमेश्वर का जो तीसरा है पवित्र आत्मा ही विल ओवरशैडो यू वो तुम्हारे ऊपर आएगा एंड सो द वन who will be born of you aur isliye jo tumhare kokh se janmega is called the son of god usko parmeshwar ka putra wo kehlayega he shall not be known as the son of joseph and mary aur wo yusuf aur maryam ka putra nahi kehlaya jayega he will be known as the son of mary aur usko maryam ka putra kehlaya jayega but joseph is not included there. lekin yusuf usme shamil nahi hai because joseph had nothing to do with the birth of Jesus the son of god kyunki yeshu masi ke janm mein yusuf ka koi haath nahi tha and you shall call him jesus aur fir swardut ne kaha ki tum uska naam yeshu rakhoge this how was the first christmas day aur wo pehla christmas ka din kaisa tha there was no decorating of any house aur kisi bhi ghar mein sajavat nahi tha no palace was decorated for his coming aur koi mahal sajaya nahi gaya yeshu masi ke aagman ke liye though he is still the king of kings and lord of lords kyunki wo us samay bhi rajaon ke raja aur prabhuon ke prabhu the hallelujah hallelujah and even now he is aur aaj bhi hai he is the beginning and the end aadi aur ant
वही है. That means the one who has seen the end from the beginning. और इसका अर्थ यही है कि शुरुआत से पहले ही यीशु ने उसका अंत देख लिया है. Your life. आपके जीवन का. He knows it all from the beginning till the end. यीशु मसीह शुरुआत से लेके अंत तक जानते हैं. And he declared the end from the beginning. और जो अंत का घोषणा वो शुरुआत में कर लेते हैं. And your life. आपका जीवन is in his hand. परमेश्वर के हाथों में है. Your time is in his hand. आपका समय परमेश्वर के हाथों में है. He knows your name. परमेश्वर आपके नाम को जानते हैं. He knows where you live. वो जानते हैं आप कहाँ रहते हैं. He knows everything about you. आपके विषय में हर एक बातों को जानता है. Hallelujah. Hallelujah. Your life is not nothing happens in your life because of luck. और आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो लक के वजह से नहीं होता है. नहीं नहीं. It is all planned by an Almighty God. सारे बातों का योजना जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा होता है. You just have to come and be joined to this God. आपको सिर्फ आना है और इस परमेश्वर से जुड़ना है. And live the rest of your life. और अपने बाकी के जीवन को जीना है. Every step you take, He knows. हर एक कदम जो आप लेते हैं परमेश्वर जानते हैं. The thought and imaginations of yours. He knows. आपके जो विचार हैं, जो कल्पनाएं हैं, परमेश्वर जानते हैं. If he wants some information about Pastor Papi Mathai, he doesn't have to appear to who? To advocate Sunny. और अगर परमेश्वर Pastor Papi Mathai के विषय में कोई जानकारी चाहते हैं तो ये जरूरत नहीं है कि वकील सनी के पास जाएं. अरे यू टेल मी समथिंग अबाउट योर पास्टर. कि आप अपने पासवान के विषय में कुछ बताएं. He doesn't have to ask anybody. परमेश्वर किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है. The truth is he nobody knows the inside of Papi Mathai. और सच्चाई यही है कि कोई भी नहीं जानता है कि पापी मथाई के अंदर क्या है. You cannot tell my future. आप मेरे भविष्य को नहीं बता सकते हैं. But he knows it. लेकिन परमेश्वर हर एक बातों को जानता है. He knows what you do not know about yourself. परमेश्वर वो भी जानता है आपके विषय में जो आप अपने बारे में स्वयं नहीं जानते हैं. You know that? आप जानते हैं. I am not preaching by the way. मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ. I want to send you back home early so that you can come back at 5:30 here. मैं बहुत जल्दी आपको भेजना चाहता हूँ ताकि आप शाम को लौटे. So what the Holy Spirit is putting into my mouth, I am speaking it out. So, जो कुछ भी पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं अभी मैं बता रहा हूँ. He knows the very intention of your heart. परमेश्वर आपके हृदय के इरादों को जानता है. Why do you do this? आप ये काम को क्यों करते हैं? I don't know. मैं नहीं जानता. And so I keep asking, why do you do this? So मैं पूछता रहता हूँ, आप ऐसा काम क्यों करते हैं? But God doesn't have to ask that question. लेकिन परमेश्वर को ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है. He knows the very intention of why you do it. परमेश्वर आपके इरादों को जानता है कि आप क्यों करते हैं. And sometimes, और कभी-कभी, not sometimes, most of the time, the problem with us is we do not know ourselves. और ज्यादातर यही होता है कि समस्या यही है कि हम खुद नहीं जानते हैं कि हम कुछ कामों को क्यों करते हैं. That was the problem with Peter. और यही समस्या थी पत्रस के साथ. Jesus was telling, यीशु ने कहा, I will be arrested in Jerusalem. कि मैं यरूशलेम जाऊंगा. And I'll be persecuted. और मुझे सताया जाएगा. And I'll be tortured. और मुझे सताया जाएगा. And then I will be crucified. और फिर मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा. But on the third day, लेकिन तीसरे दिन I will rise again. मैं जी उठूंगा. He was telling all this. ये सारी बातें यीशु बता रहे थे. And then he also told them, और परमेश्वर यीशु ने ये भी कहा, then I will go back to my father. तब मैं वापस लौटूंगा अपने पिता के पास. When all these things happen to me, और ये जब सारी बातें मेरे साथ होंगे, all of you will leave me, तुम सब भाग जाओगे, and I'll be all alone, और मैं अकेला पड़ जाऊंगा, every one of you will leave me, तो तुम में से हर एक जन चला जाएगा, and all the disciples had doubt, who I mean, they had nothing to say. और चेलों को कुछ बोलने के लिए नहीं था. But as usual, Peter got up. लेकिन हमेशा के तरह पत्रस खड़ा हो गया. He said, Master. कहा कि स्वामी, see, you don't know Peter. आप पत्रस को नहीं जानते हैं. You know all these fellows? ये बाकी जो चेले हैं. He was pointing his finger at John, Jacob, Andrew, Thomas, and all these disciples. ये सारे चेलों की तरफ उंगली उठा के दिखा रहे थे. All these fellows who will deny you and run away. ये सारे चेलों जो हैं आपको
छोड़ के भाग जाएंगे But not I. लेकिन पत्रस नहीं Not I. मैं नहीं I will come with you. मैं आपके साथ चलूंगा I will follow you. मैं आपके पीछे चलूंगा And I will go to jail with you. और मैं आपके लिए जेल तक चला जाऊंगा And I even die for you. और मैं आपके लिए अपने जान भी दे दूंगा Wow. अरे बाप रे What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? He didn't say much. यीशु ने कुछ नहीं कहा. There is no use of arguing with a person who is so confident of himself. ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करना भी बेकार है. My friends, मेरे मित्रों, that's what we are. हम सब ऐसे ही हैं. We think we are stronger than we actually are. हम सोचते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन इतना है नहीं. We think we have faith enough. हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत विश्वास है लेकिन है नहीं टू मूव द माउंटेन कि हम पहाड़ों को हम हटा दे That's what we think. हम सोचते हैं. Will you be faithful to Jesus? क्या आप यीशु के प्रति विश्वास योग बने रहेंगे? When the persecution intensifies, जब सताव बढ़ जाएगा, and with the guns and all, people come with the dunder and the iron bar and all to beat your head into. और जो लोग जब है डंडों के साथ और बंदूक लेके आएंगे और धमकी देंगे. Will you be true to him? क्या आप यीशु के प्रति सच्चे बने रहेंगे? And when nothing is happening and we don't see any persecution हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है और इसलिए हम देखते भी नहीं है कि क्या हो रहा है I will remain true हाँ मैं विश्वास योग बना रहूंगा Let them come man हाँ उनको आने दो But when it really happens लेकिन जब वास्तव में होगा problems and difficulties will not add to your blessings or your bad time nothing will happen और समस्याओं और परेशानियां जब आएंगे ना आपके बुरे समय में कुछ जोड़ेंगे ना आपके आशीषों में दे विल ओनली रिवील यू वे सिर्फ प्रकट करेंगे आपको व्हाट काइंड ऑफ पर्सन कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं जीसस टोल्ड हिम यीशु ने उनसे कहा यू आर टेलिंग मी ऑल दिस तुम मुझको ये सारी बातें बता रहे हो बट लेकिन Tomorrow early morning, कल सुबह भोर के समय में before the cock crows, और इससे पहले कि वो मुर्गी जो है चिल्लाएगी you will deny me three times. तुम मुझे तीन बार इनकार करोगे And Peter didn't say anything. पतरस ने उस समय कुछ नहीं बोला He said, I will show you. पतरस सोच रहा था कि मैं दिखाऊंगा How courageous I am. कि मैं कितना साहसी हूं And what happened? फिर क्या हुआ Why he was so confident? क्यों इतना हियाव से वो भरा हुआ था We can blame Peter हम पतरस को दोष दे सकते हैं make fun of him. और उसका मजाक भी उठा सकते हैं We preachers have that habit of making fun of such people. और कभी कभी प्रचारक लोग ऐसे लोगों का मजाक उठाते But, हैं hey, wait. लेकिन How about the प्रचार himself? वो प्रचारक स्वयं कैसा है When that occasion came, जब वो समय आया, he could not stand even before a servant girl. वो एक दासी के सामने भी खड़ा नहीं हो पाया. But why was he so confident? लेकिन वो क्यों इतना हिम्मत से भर गया उस समय? Peter did not know himself. क्योंकि पत्रस जब इन बातों को बोल रहा था, वो अपने आप को स्वयं नहीं जानता था. That testing, और ये जो परीक्षा हुआ, that revealed himself. उस बात ने पत्रस को अपने आप को प्रकट कर दिया That's what happened to us. और यही हमारे साथ होगा Whatever situation you face in life, जो भी परिस्थिति का आप जीवन में सामना करेंगे it reveals yourself. वो आपको अपने आप के बारे में प्रकट what करेगा What all of us need is a personal confrontation with this God. और हम में से हर एक को जरूरत है कि हम इस जीवित परमेश्वर के संग एक सही रिश्ते में एक सही संबंध में जुड़ जाए Like Isaiah had. और जैसे यशाया को हुआ Isaiah was a prophet. यशाया एक नबी था He was a priest. और वो एक याजक था And he was a senior pastor. और वरिष्ठ पासवान थे And he was in the temple. और वो मंदिर में थे And suddenly in the book of Isaiah chapter 6 और अचानक यशाया उसके छठे अध्याय में हम देखते हैं He had a vision. उसको एक दर्शन हुआ He saw God seated on his throne, high and lifted up. और यशाया ने देखा कि परमेश्वर को अपने सिरहासन पर विराजमान है And
Not only he saw God, और न सिर्फ यशायाह ने परमेश्वर को देखा, brilliance of the glory of the Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महिमा के तेज के मध्य में, Isaiah see himself, यशायाह ने अपने आप को देख लिया, for the first time, पहली बार, he was priest, he was prophet, all right, but he did not know. Himself. वो नबी था, याजक था, सब कुछ था, लेकिन अपने आप को नहीं देखा इससे पहले. We all need to have a confrontation with God in order to know ourselves. ये जरूरी है कि हम सब परमेश्वर के साथ हम मिल जाए ताकि हम अपने आप को जान लें. It may not be through a vision like Isaiah had. और हो सकता है आपको दर्शन ना मिले जैसे यशाया को मिला. But even today we can have a confrontation with the same God. लेकिन आज भी इस परमेश्वर के संग हम एक मिलन को कर सकते As हैं. He is. जैसे परमेश्वर है. How? कैसे? It is all through going through the word. The word, the Bible reveals God. ये सब इस वचन में लिखा गया है क्योंकि ये वचन जो है परमेश्वर को प्रकट करता है. If you want to know what kind of God we serve, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार के परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, how holy and pure our God is, कितना पवित्र और शुद्ध हमारा परमेश्वर है, how mighty he is, कितना सामर्थी परमेश्वर, how rich he is, कितना धनी है. Hallelujah. Hallelujah. He is God of love. वो प्रेम का परमेश्वर है. He is a God of righteousness and justice as well. और धार्मिकता और न्याय का परमेश्वर भी है. It is all right to know and adore God as the God of love. और ये ठीक है कि हम सब जानते हैं कि वो प्रेम का परमेश्वर है. We love him. हम उससे प्रेम करते हैं. The God of love. पर प्रेम का परमेश्वर है. But do we love a God of justice and righteousness? लेकिन क्या हम उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं जो न्याय है और जो धार्मिकता है? What kind of God do we deal with? किस प्रकार के परमेश्वर से हम बर्ताव करते हैं? We better think. हम इस बारे में सोचें. Go into God's word. परमेश्वर के वचन में जाएं. Then we will know. Our God. तब आप जानने पाएंगे कि परमेश्वर कौन है. And for the first time, Isaiah had a revelation of himself. और पहली बार यशायाह को अपने विषय में एक दर्शन मिला. But in order to know himself, he had to have that personal confrontation with God. लेकिन अपने आप के विषय में प्रकाशन पाने के लिए उसको उस परमेश्वर के संग एक मिलन होना पड़ा. Who lives in an unapproachable light? जो एक ऐसे तेज में रहता है जिसके सामने हम जा नहीं सकते. That is his holiness and purity. यही परमेश्वर का पवित्रता और शुद्धता है. This Almighty God. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर. Hallelujah. Hallelujah. And when Isaiah saw him, और जब यशाया ने इस परमेश्वर को देखा, in the brilliance of his holiness, उस महिमा में, उस पवित्रता में, Isaiah saw himself. यशाया ने अपने आप को देखा. I want to ask you this question. मैं आपसे इस सवाल को करना चाहता हूँ. If you know the answer, अगर आप उत्तर को जानते हैं. Did Isaiah like what he saw about himself? जब यशाया ने अपने आप को देख लिया तो क्या यशाया को अच्छा लगा? What do you think? क्या सोचते हैं आप जानते हैं? Did he like what he saw about himself? क्या उसने जो देखा अपने विषय में उसको अच्छा लगा? Who said no? नहीं. He didn't like at all. बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. Till that point, उस समय तक Isaiah liked himself. यशाया अपने आप से प्रेम करता था. Oh dear me. हाँ मैं. Oh what a wonderful person I am. कितना अच्छा व्यक्ति हूँ मैं. See, we tell people, you don't know me. हम लोगों से कहते हैं आप हमें नहीं जानते हैं. That is true, my friend. ये सच बात है. I don't know you. हम नहीं जानते आपको. And when you see me, और जब आप मुझे देखते you only see the house in which I live, the real आप सिर्फ उस भवन को देखते हैं जिसके अंदर मैं रहता हूँ. You don't see me. आप मुझे नहीं देखते. What sort of a person Papi Mathai is? कि किस प्रकार का व्यक्ति Papi Mathai है? Whether he's a really Papi? क्या वास्तव में पापी है? You can call me Reverend Papi. आप Reverend Papi कह सकते हैं. I want you to know one thing. मैं चाहता हूँ कि आप एक बात को जान लें. This is a revelation you and I need to have. ये एक ऐसा प्रकाशन है जो आपको और मुझको जरूरत है. Isaiah didn't like what he saw about himself. यशाया को पसंद नहीं आया जो उसने अपने आप के विषय में देखा. Oh, how are you?
आप कैसे हैं? I am good. हाँ, मैं अच्छा हूँ. That is the popular answer these days, people. आजकल सब लोग यही कहते हैं, मैं अच्छा हूँ. You ask especially young people. विशेष तौर से जवानों से पूछे. You ask any young fellows, how are you? आप किसी से भी पूछे, आप कैसे हैं? I am good. हाँ, मैं अच्छा हूँ. Then I ask, who told you you are good? आपसे किसने कहा आप अच्छे हैं? When you, I say to myself, I am good. That is my pride. जब मैं अपने आप के विषय में कहता हूं कि मैं अच्छा हूं, तो ये मेरा घमंड है. And when others tell, पापी मथा is good, और जब दूसरे लोग कहेंगे कि पापी मथा अच्छे हैं, that is my reputation. वो जो है मेरा reputation. My क्या reputation? सम्मान है. That's how people know me. और लोग मेरे विषय में ऐसे ही जानते हैं. But when God tell you you are good, that is your character. लेकिन जब परमेश्वर कहेगा कि आप अच्छे हैं, तो ये आपका चरित्र है. So if somebody asks you how are you, don't suddenly jump and say I'm good. So कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, अचानक ना बोले कि हाँ मैं अच्छा हूँ. Make sure that your God tells you you are good. आप इस बात का निश्चय कर ले कि परमेश्वर आपसे बोलने पाए कि आप अच्छे हैं. If God says, अगर परमेश्वर कहेंगे, that will be your character. यही आपका चरित्र बनेगा. But will he say that to you? लेकिन क्या परमेश्वर आज आपसे कहेंगे? When Isaiah saw himself, he did not like him a bit. जब यशाया ने अपने आप को परमेश्वर के महिमा में देखा, तो फिर उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया. He was crying out. वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे. He was shouting. चिल्ला रहे थे. Oh, what a wretched man I am. कि हाय मुझ पर. I have unclean lips. कि मेरे अशुद्ध होठ हैं. And I live among those people who also have unclean lips. और मैं ऐसे लोगों के मध्य में रहता हूं जो जिनके अशुद्ध होठ हैं. What do lips have to do with whether you are clean or not? और होठों से क्या मतलब कि मैं शुद्ध हूँ या नहीं? It has to do a lot. इससे बहुत कुछ मायने रखता है. Why lips was given or emphasis there in that passage? क्यों इस भाग में होठों के ऊपर जोर दिया गया? In Isaiah chapter 6. यशाया उसके छठे अध्याय में. He was crying out, "Oh unto me!" और वो चिल्ला रहे थे कि हाय हाय मैं नष्ट हुआ. I am undone. मैं नष्ट हो गया. Because I have unclean lips and I live among people of unclean lips. क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ. You know why? आप जानते हैं क्यों? What do we use lips for? हम अपने होठों को किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? स्पीक. हम बोलते हैं. That's the main thing. और मुख्य काम हम यही करते हैं. Of course, there are so many other things also we do. और दूसरे काम भी हम अपने होठों से करते हैं. We need lips to eat properly. और ठीक से खाने के लिए हमें जरूरत है. And you know, when you eat, close your mouth. But don't open your mouth and chew. और जब आप खाना खाते हैं, मुंह बंद करके खाइए. We teach our children. हम अपने बच्चों को सिखाते हैं. When you chew, you close your mouth. कि जब चबाते हो तो मुंह बंद करके चबाओ. Because your mouth without lips doesn't look nice. क्योंकि होठों के बिना आपके मुंह बंद नहीं होंगे. And then we use our lips to kiss. और फिर होठों का इस्तेमाल होता है किस करने के लिए. But the most important thing is, लेकिन सबसे मुख्य काम यही है. You can eat even without lips. आप होठों के बिना आप खा भी सकते हैं. No, we can. हाँ, खा भी सकते हैं. It's the most important thing that the lips do is speaking. लेकिन सबसे मुख्य काम जो हम करते हैं वो बोलना है. So what does an unclean lip tell you? So, एक अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति जो है क्या कहता है? What does the Bible say? बाइबल क्या बताती है? Jesus said, यीशु ने कहा, out of the abundance of what? कि हृदय के बहुतायत से we speak.
हम बोलते हैं. आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट आवर माउथ स्पीक. हृदय में जो कुछ भी भरा हुआ है और उसी से हम बोलते हैं. सो एन अनक्लीन लिप्स शोज अनक्लीन हार्ट. सो एक अशुद्ध होठ जो है इस बात को दिखाता है कि हमारा हृदय कितना अशुद्ध है. That's the importance of it. और यही मुख्यता है. What comes out of your mouth? आपके होठ से क्या निकलता है? It's what makes you unclean. वही बातें जो है आपको अशुद्ध बनाती है. Jesus said it. यीशु ने कहा. Out of your mouth. आपके मुंह से. Come for these things. ये सारे बातें निकलती हैं. Where does it come from? ये सब कहाँ से निकलते हैं? From the heart. हृदय से. An unclean lips shows unclean heart. एक अशुद्ध होठ जो है दिखाता है कि हृदय भी अशुद्ध है. I said in like what he said. और यशाया ने इस बात को पसंद नहीं किया. And he cried out. और वो चिल्लाने लगा. In repentance. पश्चाताप में. Oh God. हे परमेश्वर. I am unclean. हाय मुझ पर. A true confession brought him consecration. एक सच्चा मन फिराव और पछतावा जो है यशाया को शुद्ध किया. I have to close. मुझे यहाँ समाप्त करना है. Because this is the problem with. यही समस्या है. We know how to start, but we don't know when to stop. हम प्रचारक लोग शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं कर पाते. But today I must close. लेकिन आज मैं समाप्त करता हूँ. How does that consecration came? वो पवित्रता, वो शुद्धता कैसे आया? From a fiery coal. एक जलते हुए कोयले से. The angel of the Lord. परमेश्वर का स्वर्गदूत. Picked up a burning coal. एक जलते हुए कोयले को उठाया. Touched the lips of. और यशाया के होठों को छुआ. And then God said. तब परमेश्वर ने कहा. See, I have touched your lips with fire. देखो, मैंने आग से तुम्हारे होठों को छू लिया है. Now you are clean. अब तुम शुद्ध हो गए हो. What was God doing? परमेश्वर क्या कर रहे थे? God was preparing a prophet for him. परमेश्वर अपने आप के लिए एक नबी तैयार कर रहे थे. Who will speak the truth of God. जो परमेश्वर के सच्चाइयों को का घोषणा करेगा. Message of God. परमेश्वर के संदेश को देगा. Hallelujah. Hallelujah. Without fear of men. और बिना मनुष्य से डरे हुए. And in this, I say, whether you are a Sunday school teacher. चाहे आप संडे स्कूल के अध्यापक हो. Or a Bible school teacher. या बाइबल स्कूल के अध्यापक हो. Fire always is a type of the Holy Spirit. आग जो है वो दर्शाता है पवित्र आत्मा को. Let that fire of the Holy Spirit come, touch your lips and touch your life. होने पाए वो पवित्र आत्मा का आग आपके जीवन को छूने पाए, आपके होठों को छूने पाए. That is consecration. यही है शुद्धता. That does not come without the true repentance. और बिना सच्चे मन फिराव से ये शुद्धता नहीं and आएगा. Young people, I want to say this. और जवान लोग, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ. You have committed a serious sin. आपने अगर कोई गंभीर पाप को किया है. And you have made a mess of your own life. और आपने अपने जीवन को खराब कर दिया है. And these days. और आजकल के दिनों में. People don't know how to repent. लोग नहीं जानते हैं पश्चाताव कैसे करना है. They take God for granted. वो परमेश्वर को हल्के रीति से लेते हैं. God is there. He is sitting there only to forgive. हाँ, परमेश्वर है, प्रेम का परमेश्वर है, मुझे क्षमा कर देगा. He is full of love. वो बहुत प्रेम से भरे हुए हैं. That's what we think. हम यही सोचते हैं. That is not repentance. ये पछतावा नहीं है. So that kind of silly way of thinking about God will not help you to have true repentance. और इस प्रकार के मूर्खता का जो सोच है आपको सच्चा मन फिराव नहीं लाएगा. Every time we sin. और जब कभी भी हम कोई गलत काम करते हैं. The Bible says. बाइबल कहती है. We are crucifying the Son of God again. कि हम फिर से उस परमेश्वर के पुत्र को उस क्रूस पर चढ़ा रहे हैं. And if you think that is a small sin. और अगर आप सोचते हैं कि ये एक छोटी बात है. You are wrong. तो फिर आप गलत हैं.
Cry out to God. आप चिल्लाए रोए परमेश्वर के सामने. There is forgiveness. क्षमा तो है. But not without true confession. लेकिन सच्चे मन फिराव और अंगीकार के बिना नहीं है. And if you want to know that true confession, अगर आप इस सच्चे मन फिराव को जानना चाहते हैं, listen to the cry of prophet Isaiah. यशाया के पुकार को आप सुने. And then you read Psalm 51. और फिर आप भजन संहिता 51 को पढ़ें. You read the confession and repentance of David. जहां आप दाऊद के अंगीकार को और मन फिराव को आप पढ़ते हैं. Repent that way. इस प्रकार पछताव करें. Crying out to God. परमेश्वर को पुकारें. Oh God. हे परमेश्वर. Take not your Holy Spirit from me. अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना करें. Restore in me the joy of salvation. और मेरे अंदर वो उद्धार के आनंद को फिर से भर दे. Hallelujah. Hallelujah. What hurts God must hurt you. और जो बात से परमेश्वर को चोट पहुंचता है, उसी बातें जो है आपको भी चोट पहुंचना चाहिए. Let's all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं. This is Christmas. यही क्रिसमस है. It's all about Christ. ये सब मसीह के विषय में है. Who came down? जो इस पृथ्वी पर आए. Entered into a human body. और एक मनुष्य के शरीर में रूप धारण किया. And he gave that body to be broken. और उसी शरीर को यीशु मसीह ने फिर दे दिया उसको तोड़ा जाए. Through that brokenness. और उस टूटेपन से. The blood was shed. वो लहू बहाया गया. And thus he purchased your salvation. और इस प्रकार यीशु मसीह ने आपके उद्धार को खरीद लिया. That is the price he paid for you. यही वो कीमत है जो यीशु मसीह ने आपके खातिर चुकाया है. Every single person. हर एक व्यक्ति यहाँ पर. That is the price he paid and he purchased you that he may own you. यही वो कीमत है जो यीशु मसीह ने चुकाया आपको खरीदने के लिए ताकि आप उसके हो जाएं. He owns you. और आप परमेश्वर के हैं. If you claim that you are born again, you are baptized and now you are a follower of Christ, that means you are not your own owner. You don't belong to yourself. You belong to him because he paid the price and purchased you. अगर आप इस बात का दावा करते हैं कि आपने नए जन्म को पाया है, कि आपने माफी को पाया है, आप परमेश्वर के संतान हैं, तो फिर आप खुद के मालिक नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर आपके मालिक है. यीशु मसीह जिन्होंने आपके खातिर अपने जान को दे दिया. He did it all for your sake. ये सारे कामों को यीशु ने आपके खातिर किया है. By going to the cross, उस क्रूस के ऊपर जाने के द्वारा. By dying for you, आपके लिए मरने के द्वारा. And you just cannot make a mess of your life and then come to God. Oh God, I made a mistake. Please forgive me. और फिर आप अपने जीवन को लापरवाही से जीने से और फिर अपने जीवन को बर्बाद करने के बाद आप हल्के रूप से नहीं आ सकते परमेश्वर के सामने कि हाँ परमेश्वर मुझे क्षमा कर देंगे. That is not repentance. ऐसे नहीं होता है. That is playing with your faith. ये आप अपने विश्वास से खिलवाड़ कर रहे हैं. Be serious about your faith. आप अपने विश्वास और जीवन के प्रति आप गंभीर हो जाएं. When you did it, when you made a mess of your life, you have been crucifying the Son of God again. जब आप अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं, आप फिर से यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ा रहे हैं. This is what Christmas is all about. और यही वो बातें हैं जो क्रिसमस है. It is Jesus. ये यीशु मसीह है. Leaving all his glory. अपने सारे महिमा को छोड़ दिया स्वर्ग में. And entering into a human body. और एक मनुष्य के शरीर में आ गए. That's why Jesus said to God the Father, "You have prepared a body for me." और इसलिए यीशु मसीह ने अपने पिता से कहा कि आपने मेरे लिए एक शरीर को तैयार किया है. And I offer that body. और मैं उस शरीर को दे देता हूँ. To be a sacrifice. ताकि मैं एक बलिदान बन जाऊँ. For the sins of human race. मानव जाति के पापों के लिए. Every member of humanity. इस मानव जाति के हर एक सदस्य के लिए. Can now find salvation in Him. हर एक मनुष्य यीशु मसीह में अपने उद्धार और मोक्ष को पाएगा. For the Son of God to come down to this earth full of sin.
क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए अब सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया and he lived his life as a poor man और अपने जीवन को एक गरीब व्यक्ति के तरह अपने जीवन को जिया never sought anything for himself और अपने आप के लिए कुछ भी नहीं रखा he depended on his friends for any help he needed और कोई भी मदद की जरूरत थी वो अपने मित्रों के ऊपर वो निर्भर था he lived possessed the least of things और कम से कम वस्तु उनके पास थे and he in fact he never claimed that anything was his own और यीशु मसीह ने कभी भी दावा नहीं किया इस संसार में कि ये मेरा है I say it again and again. बार बार मैं इस बात को बोलता हूँ. There are only two things he said. सिर्फ दो ही बातें हैं जो यीशु ने कहा ये मेरे हैं. This is mine. ये मेरा शरीर है. You know what? आप जानते हैं? He said, even the words I speak to you are not mine. यीशु ने कहा जो शब्द मैं तुमसे बोल रहा हूँ वो भी मेरे नहीं हैं. I hear my father speak. मैं अपने पिता को सुनता हूँ वो क्या कह रहे हैं. That is what I speak. और वो नहीं बातों को मैं तुमसे कहता हूँ. And the works I do. और जो कार्य मैं करता हूँ. They are not mine. वे मेरे कार्य नहीं हैं. I see my father work. मैं पिता को देखता हूँ वो कार्यों को करते हुए. And that's what I come and do. और वही कार्यों को मैं यहाँ पर करता हूँ. Then what did he तो फिर मैं मेरा क्या है सिर्फ दो बातें हैं his body शरीर and his blood और लहू sitting there in that upper room और उस ऊपरी कोठरी में बैठे हुए he took the bread and lifted it up यीशु ने रोटी को उठाया और कहा and gave thanks धन्यवाद दिया and then he broke it और फिर उसको तोड़ा giving to his disciples saying take and eat for this is my body और अपने चेलों को दिया इस बात को कहते हुए कि ये मेरा देह है and then the cup और फिर उस प्याले को लिया after giving thanks he धन्यवाद देने के बाद take and drink for this is my blood अपने चेलों को दिया बोलते हुए इसको पियो क्योंकि ये मेरा लहू है what did he do even with these two और जो बातें उन्होंने कहा कि ये मेरे हैं उनसे क्या किया he released them वो भी दे दिया He gave his body to be broken. अपने शरीर को दे दिया तोड़े जाने के लिए For your sake. आपके खातिर For my sake. मेरे खातिर He gave his blood to be shed. अपने लहू को दे दिया ताकि वो बहाया जाए Every drop of blood. हर एक बूंद उस लहू का This is Christmas. यही क्रिसमस है Christ. मसीह You cannot separate Bethlehem from Golgotha. बेथलहम को आप उस गोलगथा से अलग नहीं कर सकते यू कैन नॉट सेपरेट द मेंजर फ्रॉम द क्रॉस उस चरनी को क्रूस से आप अलग नहीं कर सकते हैं द स्टोरी ऑफ क्रिसमस डस नॉट कंप्लीट इटसेल्फ अनलेस यू ब्रिंग द क्रॉस क्रिसमस की कहानी पूरा नहीं होता है जब तक उस क्रूस का कहानी ना आए दिस ही केम क्योंकि इसी कारण से यीशु मसीह आए And today he's alive. और आज वो जीवित है. Let this Christ be born in your heart. होने पाए ये मसीह आपके जीवन में पैदा होने पाए. If any one of you have never taken Jesus into your heart and life and surrendered yourself to Him. अगर आज की सुबह यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन को अभी तक यीशु मसीह के हाथों में समर्पित नहीं किया है. You seriously do it. Without any further delay. और बड़े गंभीरता से बिना देर किए हुए आप आज इस कार्य को करें। We can celebrate a Christmas for a million times. आप इस क्रिसमस को बड़े दिन को हजारों साल आप उस सब मना सकते हैं। And yet miss heaven. लेकिन फिर भी आप स्वर्ग को खोज बैठेंगे। If you have not taken Jesus into your life, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं लिया है, make him your life, और यीशु मसीह को अपने जीवन नहीं बनाया है, make him your goal, यीशु मसीह को अपने लक्ष्य बनाओ, make him as your righteousness, यीशु मसीह को अपने धार्मिकता बनाओ, make him as a pattern of your life, यीशु मसीह को आपके जीवन का नक्शा बनाओ, Hallelujah, Hallelujah. This is Christmas. यही क्रिसमस है.
That's what Christmas is. और यही क्रिसमस है. Decorate your heart with the presence of God. आप अपने हृदय का सजावट करें यीशु मसीह के उपस्थिति से. Even if you don't decorate your house. अगर आप अपने घरों को भी सजावट नहीं करते हैं. You will not lose. आप कोई भी बात खोएंगे नहीं. Lift up our hands to God. आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं. Open our mouth. आइए अपने मुंह को खोल दें. And with a loud voice, let और अपने आवाज को उठाकर इस यीशु को धन्यवाद दें. Let us thank him. आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें. Let us praise him. उसकी स्तुति करें. Let us bow before him. उसके सामने दंडवत करें. Let us worship him. और उसकी आराधना करें. Let us acknowledge him as our Lord. और हम अंगीकार करें कि यीशु मसीह आप ही मेरे प्रभु हैं. Jesus. यीशु. You came down. आप इस पृथ्वी पर आए. And you became nothing. और आप कुछ भी नहीं बने. In order to make us something out of our life. ताकि हम अपने जीवन का कुछ बना सके. I bow before you. मैं आपके सामने दंडवत करता हूँ प्रभु. I open my heart. मैं अपने हृदय को खोलता हूँ. Come Lord Jesus. आइए प्रभु यीशु. Be born in my heart. आप मेरे हृदय में पैदा हो जाएं. And live in my heart. मेरे हृदय में वास करें. Hallelujah. Hallelujah. Glory and honor. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु. We give you all the praise. सारी आदर और स्तुति आपको देते हैं. All honor to you. सारी महिमा आपको देते हैं. It is to you we bow. आपके सामने हम दंडवत करते हैं. And we bring our gifts unto you and you alone. और हम अपने उपहारों को आपके सामने रखते हैं. Thank you Father. धन्यवाद पिता. And may your people enjoy your presence and your love. होने पाए कि आपके लोग आपकी उपस्थिति का आनंद उठाने पाए. Let them come closer to you Lord. वे आपके निकट आने पाए प्रभु. Thank you. धन्यवाद. Thank you. In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं. Hallelujah. And may the good Lord bless you and keep you. और परमेश्वर आपको रखे संभाल के रखने पाए. Face to shine upon you. होने पाए कि परमेश्वर का चेहरा आपके ऊपर चमकने पाए. And be gracious unto you. अनुग्रहकारी बनने पाए आपके प्रति. And let your presence go with you in your going out and coming. आपके बाहर जाने में आपके अंदर आने में उसकी उपस्थिति आपके संग जाने पाए. और आपके बैठने में आपके उठने में. And sleeping and waking. आपके सोने में और आपके जागने में. Every moment. हर एक पल. Every day of this week. और इस हफ्ता के प्रतिदिन. Enjoy him. परमेश्वर का आनंद उठाएं. Not so much of enjoying his blessings and gifts, but enjoy him. और उपहारों का और आशीषों का आनंद से बढ़कर आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाएं. Hallelujah. Hallelujah. God's blessing be upon. परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर होने पाए. And this is Christmas. यही क्रिसमस है. It is. Christ. ये मसीह है. And Christ alone. और सिर्फ मसीह है. आमेन. आमेन.